नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, धन की कामना सबको रहती है, इसके लिए ही बड़े जतन किए जाते हैं, पर लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ सरल उपाय भी हैं। आप इन्हें आजमाइए, हो सकता है लक्ष्मी आप पर खुश हो जाए और आपके घर में प्रवेश कर जाए। दोस्तों, आज के अशांत युग में प्रायः सभी मनुष्य अपनी अपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने के इच्छुक है। संकल्पित कामनाओं की पूर्ति तो प्रत्यक्ष अनुभव की कसौटी पर ही कसकर हो सकती है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो पूजा उपासना नहीं कर पाते, किंतु लक्ष्मी पाने की चाहत तो हर किसी की होती है। ऐसे ही लोगों के लिए आज मैं 14 सरल और प्रभावशाली उपाय लेके आया हूँ, जिसकी मदद से आपके ऊपर भी लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। दोस्तों, प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखें और चेहरे पर 3 बार फेरें। भोजन के लिए बनाई जा रही पहली रोटी, 1 चम्मच चावल या घर में बने भोजन का 1 भाग गाय को अवश्य खिलाएं। आटे के लिए गेहूं शनिवार को पिसवाने का नियम बना लें, संभव हो तो उसमें 1/10 अंश छोटे काले चने का मिलाएं। शनिवार को काला चना किसी न किसी रूप में भोजन में लेने का नियम अवश्य बना लें। दोस्तों, घर की रसोई में किसी भी दिन काली तुम्बी लाकर टांग दें। चींटियों को शक्कर मिश्रित आटा अवश्य खिलाएं। दोस्तों, घर में स्थापित या टंगे हुए देवी देवताओं के चित्रों को कुमकुम, चंदन, पुष्पमाला आदि से सिंगारित करें। प्रातःकाल नाश्ते से पहले घर में झाड़ू अवश्य लगाएं। दोस्तों, संध्या के समय घर में झाड़ू पोछे का कार्य बिल्कुल भी ना करें। अगर बिजली का प्रकाश पर्याप्त नहीं है तो संध्या से पूर्व घर में दीपक अवश्य जला दें। घर की सुहागिन महिलाएं प्रसन्न मन से देवी देवताओं की आरती धूप दीप अवश्य करें। दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी भी कार्य के लिए घर से निकलना पड़े तो खाली पेट बिल्कुल ना निकलें। यदि मीठा दही घर में उपलब्ध हो तो 1 चम्मच खाकर निकलें, इससे कार्य में सौभाग्य का योग बनेगा। गुरुवार के दिन किसी भी महिला को सुहाग सामग्री दान में देने का क्रम बनाएं। दोस्तों, घर हो या बाहर, सुपात्र महिलाएं तथा कुंवारी कन्याओं को देवी स्वरूपा मानकर प्रसन्न करने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। सफेद वस्तुओं का दान करने से भी लक्ष्मी योग बनता है। दोस्तों, दरिद्र असहाय रोगी निर्धन या किन्नरों की सहायता दान स्वरूप अवश्य करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो किन्नरों को दिए पैसे में से 1 सिक्का वापस लेकर अपनी हुंडी गुल्लक अथवा कैश बॉक्स में जरूर रख लें। दोस्तों, इन 14 उपायों को करके आप लक्ष्मी की अपार कृपा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी की अपार कृपा पाने के 13 अचूक उपायों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही घरेलू नुस्खे और वास्तु टिप्स लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।